रे जो लगी सफल करे भालो सबो दो तरा बोला नाचे भालो कोई ना दो तरा धुन पर। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ट्रेंडिंग ट्यूटोरियल वीडियो। तो गाइज, ये जो सॉन्ग है अभी एकदम नया सॉन्ग, एकदम ट्रेंड पे चल रहा है। तो अगर आप भी क्रिएट करना चाहते हो, इस वीडियो को बिना स्किप के एंड तक ज़रूर देख लेना ताकि आप भी इजीली क्रिएट कर सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ कर लेना, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर इस तरीके का ट्रेंडिंग और लेटेस्ट ट्यूटोरियल देखने को हर रोज मिलता रहेगा। इसलिए सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके रख देना ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। और गाइस, सेकंड चैनल पर अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखना। सेकंड चैनल पर आप सबके लिए अच्छा अच्छा कॉन्टेंट आ रहा है और ब्लॉग भी अपलोड हो चुका है, प्लीज़ जाके ज़रूर देखना, थोड़ा सा प्यार ज़रूर देना, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, इमेजेस वगैरह आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, फॉन्ट्स वगैरह मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, और HD स्टेटस भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, डिस्क्रिप्शन में जाना है आपको, सभी प्रीसेट को डाउनलोड कर लेना है, प्रीसेट XML को जो भी आपको डाउनलोड करना है कर लेना, एलाइट मोशन में इंपोर्ट कर लेना। उसके बाद एलाइट मोशन को ओपन करना है, प्रोजेक्ट पर जाना है, जो आपका प्रोजेक्ट होगा आपको सिंपल से यहाँ पे ओपन कर लेना है, ठीक है। तो जब आप ओपन करोगे तब आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें मिसिंग दिखाई देगा, जो कि आपको फॉन्ट्स मिसिंग दिखाई देगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिरिक्स पे जाना है, एडिट टेक्स्ट पे जाना है, और आपको ये सोल सिग्नेचर वाला फॉन्ट ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको इमेज का और स्टेटस का लिंक मिल जाएगा, जब लिंक पर क्लिक करोगे सीधा आप टेलीग्राम चैनल पर रीडायरेक्ट हो जाओगे। उसके बाद आपको वहीं पर ही आपको मिल जाएगा ये फॉन्ट, ठीक है, सोल सिग्नेचर फॉन्ट आपको मिल जाएगा। तो सभी लिरिक्स पे आपको यहाँ पे क्या करना है, सोल सिग्नेचर वाला जो फॉन्ट है इसको आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है सभी लिरिक्स पे, ठीक है। कैसे ऐड करना है, लिरिक्स पे टाइप करना है, एडिट टेक्स्ट में आना है, फॉन्ट को आपको यहाँ पे हाईलाइट मोशन में इंपोर्ट कर लेना है, उसके बाद फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट पर आपको यहाँ पे एक लेयर देखने को मिलेगा, ठीक है। लेयर पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है, कलर फिल पे क्लिक करके स्टार ऑप्शन पे क्लिक करना है, जो भी इमेज सिलेक्ट करना चाहते हो सिलेक्ट कर लेना, ऊपर जो प्लस इस पे क्लिक कर देना, ठीक है, कुछ इस तरह से यहाँ पे कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जहाँ पे लिरिक्स एंड हो रहा है उस पॉइंट पे आ जाना है, ठीक है। तो लिरिक्स जहाँ पे एंड हो रहा है उस पॉइंट पे चलते हैं, इस पॉइंट पे। तो आपको यहाँ पे चार लेयर दिखाई दे रहे हैं, चारों लेयर पे आपको आपको अलग अलग इमेजेस को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हो, चार लेयर पे आपको अलग अलग इमेजेस को आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे चारों लेयर पे आपको अलग अलग इमेजेस को आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अभी आपको यहाँ पे आगे आना है, ठीक है। यहाँ पे आपको लेयर देखने को मिलेगा, इन लेयर पे आपको यहाँ पे क्या करना है, अलग अलग इमेजेस को आपको यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। और कहाँ से आपको इमेज सेम ऐड करना है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, सेम इमेज को आपको यहाँ पे, सॉरी सेम इमेज बोल रहा हूँ, अलग अलग इमेज को आपको यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। इस तरीके से आपको इमेज को चेंज करना है, ठीक है। तो गाइस, अभी आपको यहाँ पे 23.27 पे आपको यहाँ पे डबल बीटमार्क दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस डबल बीटमार्क से आपको यहाँ पे और एक डबल बीटमार्क दिखाई दे रहा है, इस डबल बीटमार्क के, ये जो दो डबल बीटमार्क है, दो डबल बीटमार्क के बीच में जितना भी लेयर है, सभी लेयर पे आप जो भी आप इमेज ऐड करोगे ना, सेम इमेज को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए ये वाला इमेज मैंने ऐड किया, तो इसी इमेज को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डबल बिटमार्क तक हम ऐड करेंगे, ठीक है। इस इमेज को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डबल बिटमार्क तक ऐड करेंगे। इस तरह से आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको ये जो 25 है, 25.11 सेकंड, इसके बाद आपको यहाँ पे और एक डबल बिटमार्क दिखाई देगा, ठीक है। तो ये दो डबल बिटमार्क के बीच में लेयर पे आपको यहाँ पे इमेजेस को ऐड करना है, जो भी इमेज आप ऐड करोगे सेम इमेज आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है, ठीक है। तो मैंने ये वाला इमेज ऐड किया, तो इसी इमेज को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डबल बिटमार्क तक ऐड करेंगे, ठीक है गाइस। इस तरह से आप देख सकते हो,
उसके बाद आपको क्या करना है, इस डबल बीट मार्क से पूरा एंडिंग पॉइंट तक आपको सेम इमेज ऐड कर लेना है, आपका स्टेटस बनके रेडी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे कर लेना है, जैसे मैंने बताया सेम टू सेम आपको यहाँ पे कर लेना है। और इस वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए ऊपर राइट पे कॉर्नर पे क्लिक करना है, वीडियो को आपको हाई रेजोल्यूशन करके नीचे एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है, आपका वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगा। ये वीडियो कैसा लगा एंड तक आपने अगर देख लिया प्लीज़ कॉमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।